काला कुत्ता की कलम से मुद्दे की आवाज। मुद्दे की बात स्वाति गुप्ता के साथ मुद्दा लाए। शारदीय नवरात्र के पहले दिन बुधवार को मां शैलपुत्री जी के दर्शन के लिए भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। सुबह कलश स्थापना के बाद देवी शैलपुत्री जी की पूजा की गई। पुराने पुल से होकर गुजरने वाली सड़क तक लंबी लाइनें लगी रहीं। वहीं भोर से ही माता शैलपुत्री जी के दरबार में भक्तों के जयकारे गूंजते रहे। वहीं लगी रही भक्तों लंबी कतारें, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। देवी दुर्गा के पहले स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये ही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा। नाम बता दीजिए। अरुण यादव। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं विशेषगढ़ कस्बा। अच्छा, कहाँ दर्शन करने आई हैं? शैलपुत्री जी, आज नवरात्र का पहला दिन है, आज माँ शैलपुत्री का दर्शन होता है, इसे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा व उपासना की जाती है। दुर्गा के नौ स्वरूपों में प्रथम शैलपुत्री के दर्शन के लिए महिलाओं व बच्चों का हुजूम भोर से ही पहुंचने लगा। माता के जयकारे से पूरा मंदिर प्रांगण गूंजता रहा। भक्तों ने माता समक्ष चुनरी, नारियल माला व फूल प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना किया। शैलपुत्री माता के मंदिर में बनारस के अलावा आसपास व दूर दराज के इलाकों में भक्त शामिल थे। शैलेंद्र कुमार जी, श्री शैलपुत्री मंदिर का पुजारी, और यहाँ पे श्री शैलपुत्री माँ का महिमा है। आगे नवरात्रि का मेला, प्रथम नवरात्रि का मेला लगता है, और इनका मानता ये है कि ये हिमालय पर्वत से आई थी यहाँ पर काशी घूमने के लिए, देखने के लिए, और यहाँ पर उनको अच्छा लगा और वो यहीं पे रह गई है। वहाँ पे इनका स्थान हो गया और अपने भक्त यहीं रह करके भक्तों का रक्षा करती है। और नवरात्रि वाले दिन यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में दस राशि आते हैं और अपना मनोकामना मांगते हैं, उनका मनोकामना पूरा होता है। करीब सुबह से करीब 1,00,000 आदमी करीब यहाँ दर्शन होता है। सुबह से करीब 20-25,000 आदमी दर्शन कर चुके हैं और अभी रात को 12 बजे तक चले। सोशल मीडिया से आने वाले हर संदेश को सावधानी से समझें। समझदारी में होती है ताकत। सतर्क जनता, सुरक्षित।